जिला स्थापना दिवस समारोह मनाने के साथ साथ जिलेर वासियों ने एक दूसरे को नव वर्ष की मंगल कामना और शुभकामनाएं दी। जिले के 148 वर्ष बीत गए हैं, पर स्थापना दिवस की प्रामाणिकता की पुष्टि 1 जनवरी को काफी मशक्कत के बाद हुई। स्टेटमेंट समाचार पत्र के 16 जनवरी 1875 के संस्करण में इसका साक्ष्य मिला और इस प्रकार 1 जनवरी को जिला स्थापना दिवस मनाने पर मुहर लग गया। आज तड़के पूर्वाहन 10:30 में अमृत सरोवर पार्क से स्कूली बच्चों के साथ सभी पदाधिकारियों ने प्रभात फेरी से इसकी शुरुआत की, जो सरैयागंज टावर हॉस्पिटल रोड से होता हुआ समाहरणालय परिसर में डिस्पर्स हुआ, जहां पहले से समारोह मनाने को जिला तैयार था। वहां डीएम, डीडीसी कुर्नी, माननीय विधायक तथा अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन से सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गुब्बारे उड़ाए गए और साथ ही हस्ताक्षर अभियान से अपनी मजबूत उपस्थिति भी लोगों ने दिखाई। सेल्फी प्वाइंट पर लोगों ने डीएम के साथ फोटो खींचाते भी नजर आए। जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन दोहरी खुशी और गौरवमयी अनुभूति का दिन है। कोई भी संस्कृति तभी ज्यादा विकसित होती है जब उसका अतीत का भान हो। विकास एक अनवरत यात्रा है। अब अस्तित्व के पहचान के साथ जिला का समेकित विकास निश्चय रूप से हमें गौरवान्वित करता है। सभी जिलेरवासियों को उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब इसकी पूर्व पिथिका तैयार हो गई है। उन्होंने जिले के लीची लहठी साहित्य विरासत की भी चर्चा की। विभिन्न विभागों के समन्वय सहयोग का भी उन्होंने सराहना किया। उप विकास आयुक्त ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व माननीय विधायक कुर्नी स्थापना दिवस की खोज में भागीरथ प्रयास करने वाले अशोक भारती ने भी मंच से अपनी प्रसन्नता जाहिर किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, डीएवी खबर, रमशा मिश्रा, जीविका दीदी, चैपमैन विद्यालय आदि के बच्चियों ने अपने कलात्मक प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। संध्या में आम्रपाली ऑडिटोरियम में बिग बॉस प्रतिभागी रह चुके दीपक ठाकुर और उनकी टीम सारे गामा प्रतिभागी श्रुस्ती वार लेबर आलोक चौबे ने काफी